नमस्कार, मैं हूं पूजा भारती और आप देख रहे हैं P3 न्यूज झारखंड। जिस तरीके से पूरे भारतवर्ष में एनआरसी सीए और एनपीआर को लेकर विरोध हो रहा है, चाहे वो दिल्ली का शाहीन बाग हो या फिर रांची का कडरू का शाहीन बाग हो, हर तरफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ठीक उसी तरह झारखंड की राजधानी रांची में भी हर गली नुक्कड़ चौराहे पे एनआरसी सीए और एनपीआर को लेकर के विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अभी हम मौजूद है रांची के राजभवन के समीप में, जहाँ पर झारखंड जनाधिकार महासभा द्वारा एनआरसी सीए और एनपीआर को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कई महिलाएं मौजूद है जो एनआरसी को लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रही है, और लोग भी यहाँ पे, उनका कहना है कि जो केंद्र सरकार यहाँ एनआरसी सीए को कानून लेके आया है वो यहाँ पे राज्य सरकार में लागू नहीं होने देंगे। आइए कुछ लोगों से ही बात करते हैं और जानेंगे कि वो एनआरसी सीए और एनपीआर को लेकर जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उसका मुख्य कारण क्या है। अभी हमारे साथ मौजूद है झारखंड जनाधिकार महासभा के मेंबर जेम्स, उनसे जानेंगे कि जो एनआरसी सीए और एनपीआर को लेकर यहाँ पे राजभवन के समीप में विरोध प्रदर्शन हो रहा है उसका मुख्य कारण क्या है, उनसे जानते हैं। आज ये राजभवन के सामने जो आप देख रहे हैं, राज्य के अलग अलग हिस्सों से आए हैं, ये मुख्यतः सीएए एनपीआर और एनआरसी का विरोध के लिए आए हुए हैं। इनको सबसे बड़ा डर ये सता रहा है कि यदि यहाँ पे एनआरसी होता है झारखंड में, तो लाखों लोग होंगे जो अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाएंगे, खासकर भूमिहीन हैं, जिनके पास जमीन संबंधी कोई कागजात नहीं है, जो दलित हैं, जो आदिवासी हैं, उनके पास कोई कागजात नहीं होते हैं। उस समय ये कागजात बनाने का कोई मशीनरी नहीं था स्टेट में, और सरकार ने ही कागज नहीं बनाया, और आज लोगों से अगर कागज मांगती है तो ये एक बहुत मुश्किलात समय होगा इनके लिए, और ख़ासकर महिलाओं में, जो कि शादी के पहले वो कुमारी रहते हैं, उसके बाद जब शादी हो जाते हैं तो फिर उनका टाइटल चेंज हो जाता है, तो कई डाटा, कई सारे दस्तावेज जो है आपका मिसमैच होगा, इससे वो अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाए। केंद्र सरकार के द्वारा अभी एनआरसी को लागू किया गया है, लेकिन अभी राज्य सरकार के द्वारा ऐसा कोई भी नियम नहीं लाया गया है कि यहाँ पर भी लागू होगा, तो ये आप लोग धरना कर रहे हैं तो किस संदर्भ में कर रहे हैं? इस धरना के माध्यम से यह हेमंत सोरेन की सरकार जो है उसके ऊपर हम लोग ये दबाव बनाना चाहते हैं, जैसे केरल ने, पंजाब ने और अन्य राज्यों ने अपने राज्य में एनआरसी का एक्सरसाइज शुरू नहीं करने का प्रस्ताव लिया है अपने राज्य हित में, तो हम यहाँ झारखंड सरकार से भी ये अपेक्षा करते हैं कि यहाँ के आदिवासियों के हित में, यहाँ के अल्पसंख्यकों के हित में इस तरह के जो कानून है जो लोगों के लिए भारी मुश्किलात पैदा करेगा, उसको अपने वर्तमान चल रहे विधानसभा में इसको पारित करें कि हम एनआरसी लागू नहीं करेंगे, एनपीआर लागू नहीं करेंगे, राज्य में प्रस्ताव पारित करें, मांग करते हैं राज्य। हमारे साथ कुछ यहाँ पे महिलाएं मौजूद है जो कि राजभवन में यहाँ पे एनआरसी सीए को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है, उन्हीं से जानेंगे कि वो यहाँ पे विरोध प्रदर्शन मुख्य रूप से किस संदर्भ में कर रही है और क्या कारण है। हम लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं एनआरसी सीए एनपीआर के ख़िलाफ़। हम चाहते हैं कि सरकार एनआरसी सीए एनपीआर को बाइकॉट करे, उसको हटाए, ये लागू ना हो, और बहुत खुशी हो रही है कि इतने तादाद में लोग आए हैं, और आज़ादी के बाद, हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद से अभी का जो ये पहला आंदोलन है जो इतने सालों तक चल रहा है, हमारे दादा लड़े थे 2 साल तक, और अगर हमें उसकी इस आज़ादी के लड़ना पड़े तो हम 200 साल के, हम 400 साल के तक लड़ेंगे, और हम आखिरी दम तक लड़ेंगे, और इंशाल्लाह हमारे नस्ल भी इसके लिए लड़ेंगे। राज्य सरकार जो है 1 अप्रैल से एनपीआर यहाँ पे लागू करने का यहाँ पे प्रस्ताव हुआ है। हम हेमंत सोरेन जी जो सीएम है झारखंड के, उनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि ये एनपीआर यहाँ पे लागू ना हो, जैसे केरल में, महाराष्ट्र में और काफ़ी जगह पर ऐसा हो चुका है कि वो लोग दे चुके हैं लिखित सेंट्रल गवर्नमेंट को कि यहाँ पर लागू नहीं होगा, इस स्टेट पर लागू नहीं होगा। वैसे हम हेमंत सोरेन जी से भी रिक्वेस्ट करें कि यहाँ पर वो लिख कर दे सेंट्रल पर कि यहाँ झारखंड पर लागू ना हो एनपीआर। शिरीन फैजी, जॉइंट स्टूडेंट यूनियन से। सबसे पहले तो झारखंड का मुख्य वजह यही है कि जो 1 अप्रैल से एनपीआर लागू होने वाला है, हम लोग सीएम को लेटर दे चुके हैं। जॉइंट स्टूडेंट यूनियन हमेशा इस धरने का पार्ट बनी है और हमेशा विरोध करते रहेगी। जब तक एनपीआर नहीं हटता है झारखंड से, तब तक हम लोग प्रदर्शन करते रहेंगे। एनआरसी सीए का सबसे पहला स्टेप एनपीआर है, तो हम लोग सबसे पहले एनपीआर को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मांगे कर रहे हैं झारखंड? झारखंड सरकार से यही मांग है कि आप जो 28 तारीख से सत्र चालू हुई है, उस सत्र में एनपीआर और सीए के विरुद्ध एक बिल पास किया जाए, जो कि ये कानून के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है,
तो हम लोग चाहते हैं झारखंड सरकार के एक बिल पारित करें झारखंड विधानसभा से और इस कानून को बायकॉट करें। मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ हुसैन, पूर्व अध्यक्ष मारवाड़ी कॉलेज। स्टेट के गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि प्लीज़ हमें आप रिटर्न आगे बताइए कि हम बिल्कुल भी अपने स्टेट में इस चीज़ को लागू नहीं करेंगे। जिस तरह से बाकी बहुत सारे राज्यों में ये बोला गया वो लिखित इस चीज़ को दिए, उसी तरह से आपने बोला तो ज़रूर है बट आप उस चीज़ को लिखित तौर पर ये दें कि हम यहाँ पर लागू नहीं करेंगे, ताकि हमारे राज्य के सारे लोग आश्वस्त रहे और ताकि इस चीज़ के लिए हम लोग बिल्कुल भी टेंशन नहीं लें। 1 अप्रैल से NPR यहाँ पर झारखंड सरकार लागू करने जा रही है जी, उस चीज़ के लिए हम लोग यही उनसे अपील करते हैं कि बिल्कुल इस चीज़ को इस राज्य में हमारे नहीं किया जाए शुरू, उसका जो आप जनगणना शुरू करवाने वाले हैं वो नहीं करवाया जाए। उस चीज़ के लिए आप रिटर्न हम लोगों को एग्रीमेंट दें। मेरा नाम हुआ शिरीन, डंडा कॉलेज से। हम लोगों ने यहाँ पे जो धरना कर रहे हैं उन लोगों से बात किया, उन लोगों का कहना है कि जिस तरीके से केरल, महाराष्ट्र और पंजाब के राज्य सरकार ने NRC CA को पारित किया है, ठीक उसी तरह वो लोग भी मांग कर रहे हैं, यहाँ के लोग मांग कर रहे हैं झारखंड सरकार से भी कि हेमंत सरकार से वो लोग मांग कर रहे हैं कि यहाँ पे जो NPR 1 अप्रैल से जो लागू होने वाली है वो उसको सदन में पारित किया जाए। इस तरह की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए P3 न्यूज़ झारखंड के साथ। अपने सहयोगी अर्शी शमीम के साथ मैं पूजा भारती।